जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल बॉन्ड की टाइप जो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले 1919 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और जिस साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम जो है वो अरविन लैंगर म्यूर था। अरविन लैंगर म्यूर ने ये कंसेप्ट 1919 में जो है वो एक जर्नल, अमेरिकन जर्नल था, जिसके अंदर इसने जो है वो इस लफ्ज को इस्तेमाल किया था सबसे पहले। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली डियर स्टूडेंट है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये भी एक किस्म का एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है, जिसमें आम तौर पर जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। यानी अब ना तो एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा ना गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विदाउट ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर म्यूचुअल शेयर होंगे। याद रख कीजिएगा, हमने आयनिक बॉन्ड जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें हमने ये कहा था कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होते हैं, और वो जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होता है। तो जब 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस हो दो एटम्स के दरमियान, तो उससे क्या होता है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो वहाँ से अट्रैक्ट कर लेता है, स्नैच कर लेता है, और इस तरह वो जंप कर जाता है उस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस शेल में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस शेल में उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था। कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम्स है ये बॉन्ड बनाते हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है डियर स्टूडेंट वो आम तौर पर 1.7 से कम होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो एटम्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करेंगे, और शेयर करने के नतीजे में जो है वो उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स वो भी यही है, अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम आम तौर पर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो एटम्स हैं वो एक एलिमेंट के भी हो सकते हैं, और डिफरेंट जो एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके भी जो है एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल यहाँ पर मैंने दी है डियर स्टूडेंट, वो आपको H2 जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, उसकी फॉर्मेशन की मिसाल दी। हाइड्रोजन जो एटम है डियर स्टूडेंट, उसका एटॉमिक नंबर आमतौर पर 1 होता है, और 1 होने की वजह उसका जो वैलेंस शेल उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब दूसरा हाइड्रोजन एटम है उस पहले हाइड्रोजन एटम के करीब पहुंचता है, तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। अब ये क्या करते हैं, दोनों हाइड्रोजन जो एटम्स हैं ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयर कर लेते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर हो जाता है, तो ये इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो वजूद में आता है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इनके दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो H और H हैं ये बॉन्ड के ज़रिए जब जुड़ जाते हैं तो ये H2 मॉलिक्यूल जो है वो बना लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट एटम जो हैं वो शेयरिंग के ज़रिए जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स की हम बात करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड आमतौर पर 3 टाइप्स का हो सकता है, जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम तीनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है डियर स्टूडेंट, जो दो एटम्स के दरमियान उस वक्त वजूद में आता है जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, तो और उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन पेयर उनके दरमियान बनता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, और
इस तरह जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, की एग्जांपल्स हम यहां पर तीन एग्जांपल मैंने डिस्कस की हैं। एक तो हाइड्रोजन की एग्जांपल है, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में जो है वो वन इलेक्ट्रॉन होता है। जब दूसरा हाइड्रोजन आता है तो उसके वैलेंस शेल में भी वन इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने वन वन इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो यहां पर ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, जिसके नतीजे में इनके दरमियान सिंगल जो है बॉन्ड पेयर बनेगा और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, और इस तरह हमारे पास H2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है। डियर स्टूडेंट, क्लोरीन के बारे में कहा जाता है कि क्लोरीन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट, और इसका जो लास्ट शेल होता है उसमें जो है वो आमतौर पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। अब इसके पास 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब दूसरा क्लोरीन एटम इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसके करीब आता है, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, और उसके बाद जो लास्ट शेल है उसमें इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला एक एक ये शेयर कर लेंगे। इनके शेयरिंग के नतीजे में डियर स्टूडेंट क्या होगा, जो क्लोरीन का वैलेंस शेल है उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों एटम्स के दरमियान क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल में है, और अब 7 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर लास्ट शेल में थे, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसी तरह इसके पास भी पहले शेल में 2 थे, सेकंड में 8 हैं, और लास्ट में इसके पास जो है वो 7 थे। तो एक एक ये दोनों ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो अब इसके पास भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास भी वैलेंस शेल में डियर स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इस तरह दोनों जो है वो आपस में क्या करेंगे। अब यूं कह सकते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और इसके नतीजे में उनके दरमियान सिंगल जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो वजूद में आता है और उससे Cl2 बन जाता है। अब हम CH4 जो है मीथेन जिसे कहते हैं, मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया स्टूडेंट अगर हम करते हैं तो इसमें कार्बन जो है वो सबसे सेंटर में है, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का फर्स्ट शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और जो सेकंड शेल है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, 6 टोटल है। एक एक इलेक्ट्रॉन ये डियर स्टूडेंट क्या करता है, हाइड्रोकार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है इस तरह। तो आप देखें जो हाइड्रोजन है उसका भी 2-2 इलेक्ट्रॉन से जो है वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है, और इसी तरह जो हमारे पास कार्बन है अगर उसके वैलेंस शेल को हम देखेंगे तो उसके पास जो है अब आपको यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो नजर आएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप यहाँ पर कार्बन के पास हो जाएंगे, और एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे। इस तरह कार्बन जो है वो अपने सराउंडिंग में 4 सिंगल बॉन्ड जो है वो बना लेगा, जिसके नतीजे में CH4 जो है वो वजूद में आ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि तमाम एटम ने जो है वो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है। अब हम चलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, जिसको हम 2 लाइन से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये लाइन का साइज होता है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल साइज में होती है। इसकी जो लॉजिक हो सकती है वो आगे किसी और क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसको मेंशन किया जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, 2 और मोर एटम भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 2 एटम्स ही लिख सकते हैं, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर होगा, और इस तरह बनने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड डियर स्टूडेंट उसको कहा जाता है। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसको हम किस में देखा जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखा गया है, और जो C2H4 है उसके अंदर देखा, ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर आपको ये नजर आएगा, और जो इथीन मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोकार्बन उसके अंदर आपको ये जो है वो बॉन्ड आमतौर पर नजर आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मौजूद होता है, ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो आमतौर पर डियर स्टूडेंट 8 होता है,
जिसका मतलब ये हो गया कि इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसका जो वैलेंस शेल होगा डियर स्टूडेंट उसके अंदर आपके पास जो है वो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब दूसरा यहाँ पर क्या पहुँचता है, दूसरा ऑक्सीजन एटम आता है तो उसके वैलेंस शेल में भी कितने होंगे, फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके वैलेंस शेल में यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट जो है वो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो एटम्स हैं ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में शेयर करेंगे, यानी ये दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में ये शेयर कर लेंगे। जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो टू इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इनके दरमियान बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का एटम है वो अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कुछ यूं नजर आएगी, फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में आपको जो है वो अब जो है वो एट इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन एटम बना लेते हैं जिसके फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल में आपको अब एट इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो टोटल जो है वो ये फोर, यानी मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो गए जिससे टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर बन जाएंगे। यूं हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम जब आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इस तरह ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम जब दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं जो कि हमारे पास इथीन है, अब इथीन का स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ हम यूं ड्रा करते हैं और यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट जो कार्बन है ये दो कार्बन है और दो कार्बन जो हैं इनके वैलेंस शेल में आपको यहाँ पर एक कार्बन में भी टू इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे और दूसरा जो कार्बन है उसमें भी आपको जो है वो वैलेंस शेल में फोर इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, पहले में भी फोर हैं दूसरे में भी फोर हैं। अब इनको मजीद जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं अपना वैलेंस शेल क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अब ये क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपने टू टू इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले ये शेयर कर लेंगे और इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इस हाइड्रोजन के पास भी टू हो जाएंगे, इसके पास भी टू हो जाएंगे, इसके पास भी टू हैं और इसके पास भी टू है। अब सवाल ये है कि जो कार्बन हमारे पास मौजूद है पहले वाला इसके पास कितने हैं, तो इसके पास मैं यहाँ पर रेड सर्कल से आपको दिखा देता हूँ, दो और दो चार हो जाएंगे, चार और ये वाले चार जो हैं ये आठ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। अब अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इसके पास भी डियर स्टूडेंट इसी तरह जो है वो ये एट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो यूं हम कह सकते हैं कि यहां पर जो कार्बन और कार्बन है उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और एक एक जो बॉन्ड है उनका हाइड्रोजन के साथ यानी मौजूद है। तो दो दो हाइड्रोजन के उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, दो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और दो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है और इस तरह इस कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डियर स्टूडेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आएगा। तो यूं जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और जो इथीन मॉलिक्यूल है इनके दरमियान आपको जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आता है। अब हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें जो दो एटम्स हैं वो आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं जिससे थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो शेयर हो जाते हैं दोनों एटम्स के दरमियान और इस तरह जो बनने वाला बॉन्ड है डियर स्टूडेंट उसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास मौजूद है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका हम कंसेप्ट यहां पर लेते हैं डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूल कैसे बनता है, नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में आपको मालूम होना चाहिए के फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब दूसरा नाइट्रोजन इसकी तरफ अप्रोच करता है तो उसके वैलेंस शेल में भी फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको भी मजीद थ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी मजीद थ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे ये दोनों आपस में थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और इस तरह आप देखेंगे कि इसके पास जो है नाइट्रोजन के पास भी एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस नाइट्रोजन के पास भी एट इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, जिसका नतीजा क्या होगा इनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वजूद में आ जाएगा और इस तरह एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनते हुए डियर स्टूडेंट
3-3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने क्या किए, शेयर किए। अक्सर क्वेश्चन पूछता होता है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल है और वो क्या होना चाहिए कि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब हम जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है इथाइन जिसे हम कहते हैं, अब इथाइन के अंदर जो है ये भी ट्रिपल बॉन्ड देखा गया। अब ये कैसे होगा तो आपको मालूम होना चाहिए इथाइन का फार्मूला C2 है H2 है, यानी इसमें 2 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 4 इसके पास हैं। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या करता है, ये कार्बन एक तो ये इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के साथ इधर शेयर करेगा, एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो और 7 जो है वो ये आपस में ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर आपस में शेयर कर लेंगे। अब आप गौर करें तो आपको इस कार्बन के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर कंप्लीट होते दिखाई देंगे और इसी तरह इस कार्बन के अंदर भी आपको यहां से 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होते दिखाई देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने 3-3 शेयर किए, ये तो 6 तो ये हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद हैं तो 8 हो गए इस कार्बन के पास। इस तरह इस कार्बन के पास भी 6 ये हैं और 2 ये हैं। अब सवाल ये है कि फिर हाइड्रोजन के पास कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो हाइड्रोजन तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन ही दूसरों के साथ क्या करता है, शेयर करता है और इस तरह इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। तो यूं इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ जो है वो इसका सिंगल बॉन्ड जो है वो डियर स्टूडेंट बन जाता है। तो यूं हमारे पास जो है वो इथाइन के अंदर कार्बन कार्बन में आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आएगा और जो उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद हैं उनके साथ आपको एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नजर आएगा। तो ये है हमारे पास है जो कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमने जो यहाँ डायग्राम्स बनाई हैं इन डायग्राम्स के अंदर मोस्टली हमने ये शो किया है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको दिखाए जाएं और ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम दो तरह से दिखाते हैं, डॉट और क्रॉस के जरिए। यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन अगर हम डॉट लगा के दिखाते हैं तो दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस के जरिए दिखाया जाता है ताकि दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो फर्क है वो देखने में नजर आ सके। तो ये जो कंसेप्ट था ये लिविस ने सबसे पहले कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और ये जो फार्मूला होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फार्मूले को डियर स्टूडेंट आमतौर पर लिविस स्ट्रक्चर जो है वो कहा जाता है। तो लिविस ने ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है, अगर हम इसकी समरी बना लें तो समरी बहुत ही सिंपल है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में डियर स्टूडेंट हर एटम जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और इस तरह इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वजूद में आ जाते हैं। बहुत ईजी कंसेप्ट है, होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।